ओके स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि कभी किसी पॉलीनोमियल को डिवाइड करना होता है तो किस तरह से करते हैं। एक बार मैं फिर भी आपको दोबारा उसका एक्चुअल डिवीजन मेथड जो होता है वो करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अपने व्यूज रिकॉल्स हो जाएं। सपोज करते हैं कि हमें x प्लस 1 डेट इज डिवाइजर, इससे हमको डिवाइड करना है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर सिंपल आपके पास डिवाइड होता, मान लीजिए आपको 57 को डिवाइड करना था 7 से, तो आप लिखते भाई 7 8 जा 56 और 1 रिमाइंडर, क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहां पर x प्लस 1, ये तो हमने कभी टेबल ही नहीं सुना। हमें 17 का टेबल याद, 19 का टेबल याद, लेकिन x प्लस 1 का टेबल ही नहीं याद। तो उस कंडीशन में हम एक बहुत ही सिंपल वे में डिवाइड किया करते हैं, जो आपको पहले प्रीवियस टीचर्स आपको पढ़ा चुके हैं। ये लीजिए, सबसे पहले अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप एक्स क्यूब लीजिए और उसे एक्स, सिर्फ एक्स से डिवाइड कीजिए। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक्स स्क्वायर आता है, तो आप यहां पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब इस एक्स स्क्वायर से सभी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की एक्स में करते हैं मल्टीप्लाई, इट बिकम्स एक्स क्यूब, प्लस वन में करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, प्लस है तो माइनस करिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, हमारे पास 2x स्क्वायर बचते हैं, इसको भी कैरी कर लीजिए। अगेन अब 2x स्क्वायर को, इस 2x स्क्वायर को इस x से डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो 2 2 रह जाता है और x की एक पावर कम हो जाती है, यानी सिर्फ 2x आता है। प्लस, यहां प्लस है ये 2x, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर, इसमें करी 2x, अगेन चेंज द साइन, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 3x में से x जाते हैं, कैरी 1। अब इस x को इस x से डिवाइड करेंगे तो x बन जा x, तो प्लस 1, तो 1 से करते हैं, 1 की x में करी, 1 की 1 में करी, चेंज द साइन, क्या बचा 0, इट इज द रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर है और ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये था एक्चुअल डिवीजन मेथड। बेटा एक्चुअल डिवीजन मेथड में आपने इस तरीके से पहले करना सीख चुके हैं, लेकिन आप क्योंकि आप एक नई क्लास में आ गए हैं तो आपको कुछ नया सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर आपका रिमाइंडर कितना है 0, वो भी कब, जब हमने डिवाइड करके देखा। लेकिन यहां पर ये कहता है कि भाई आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको बिना डिवाइड करे ही बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, कहता है फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फाइंड रिमाइंडर फॉर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 व्हेन, कब,
इट इज डिवाइडेड बाई, जब इसको डिवाइड करें हम फर्स्ट पार्ट x प्लस वन से करें या x माइनस वन अपॉन टू से करें या फिर सिर्फ x से करें और x प्लस फाइव से करें या फिर 5 प्लस 2x से करें, इनसे डिवाइड करें। तो एक तो वही सिंपल मेथड था एक्चुअल डिवीजन, लेकिन अब हमें एक्चुअल डिवीजन मेथड नहीं करना है। उसके लिए अब हम एक दूसरा तरीका लगाएंगे। मान लीजिए हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो आप x प्लस 1 को इक्वल 0 मान लीजिए, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि भाई जब किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा। जैसे अभी पहले जो मैंने बताया एग्जाम्पल उसमें आया था, सिमिलरली हमने मान लिया कि भाई x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आना है, रिमाइंडर 0 ही आना है। नाउ 1 इधर ले गए बेटे, तो अब आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में आपको x की जगह माइनस 1 शिफ्ट करना है, माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 3 एंड प्लस 1। प्लस के हमारे पास 3 और 1 है तो प्लस के 4 हो गए, माइनस के 4 हो गए, तो रिमाइंडर क्या आता है आपका 0। एग्जाम्पल में हमने करके दिखाया था कि वहां पर रिमाइंडर 0 ही आया था। तो यहां पर आप ये जो मेथड सीखते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रिमाइंडर थ्योरम, यानी आपने बिना डिवाइड करे ही डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, तो इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूं आपको, अब क्या हम एक्स प्लस पाई इक्वल 0 मान लेते हैं, तो एक्स इक्वल माइनस पाई, पाई की आपको वैल्यू नहीं कोई लगानी है, ना 22/7 ना 3.14, सिर्फ पाई लिखना है। फिर से इसी में रखते हैं यहां पर x की जगह माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई एंड प्लस 1। पाई का क्यूब करेंगे तो माइनस का पाई क्यूब ही रहेगा, प्लस 3 और पाई का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ गया पाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 3 पाई एंड प्लस 1, तो दिस इज द रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम से अपने किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कोई एक्चुअल डिवीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपसे रिमाइंडर पूछा गया। लेकिन अगर आपसे रिमाइंडर एंड क्वेशेंट दोनों पूछे जाएं, तब आपको एक्चुअल डिवीजन ही अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। सिमिलरली द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव एक्स माइनस ए इक्वल 0, सो एक्स इक्वल ए। पॉलिनोमियल लीजिए अपना एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर 6x माइनस ए। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स बाई ए, x की वैल्यू अब a से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस पॉलिनोमियल में, जहां भी x है वहां पर a लगाएंगे, a यूं ही रहेगा, लेकिन इस x की जगह a, अगेन a, सॉल्व करते हैं a क्यूब, a स्क्वायर की माइनस a मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस a क्यूब, 6a माइनस a, देखिए प्लस का ए क्यूब माइनस के ए क्यूब से कैंसिल आउट हो जाता है, 6a में से a माइनस करते हैं तो वी हैव
5a एज ए रिमाइंडर, तो हमारे पास 5a रिमाइंडर होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 3 दिया गया है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमें यह बताना है कि अगर हम 7 + 3x से इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर जब ही होता है कि जब वो उसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। ऐसे ही हम यहां पर ऊपर जैसे x माइनस ए को 0 लिया था, 7 + 3x को हम 0 मान लेते हैं। सो 3x = -7 एंड x = -7/3। सिंपली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में किया, ये जो हमको इक्वेशन दी है यहां पर आपको x की जगह अप्लाई करना होगा माइनस का 7/3। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे यस इट इज ए फैक्टर, और नहीं आता है तो नो, 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर। चलिए वैल्यू अप्लाई करते हैं इसमें, 3x³ + 7x, 3 लिया, x की जगह -7/3³ + 7, x की जगह -7/3। कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको करेंगे माइनस का साइन है, ऑड पावर है, तो माइनस का ही आंसर आएगा। 7³ करते हैं 3 का क्यूब करते हैं 27, प्लस माइनस बिकम्स -7/7 = 49/3। आप इस 3 से इस 27 को 9 टाइम्स काट सकते हैं, नाउ यू हैव 343/9, 49/3। टेक एलसीएम एज ए 9, 9 से 9 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 जो है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करी तो -343, माइनस साइन, 3 से 9 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 की इसमें करते हैं 147। बोथ टर्म्स आर द नेगेटिव, इसलिए दोनों को एडअप कर देंगे, 47 और 43 हो गए 90, और 3 और 1 हो गए 4, -k/9। तो आपने देखा यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इट मींस 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर विच इज नॉट इक्वल 0। सो 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, यानी ये इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा किया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा किया, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 2 पार्ट्स किए, जिसमें 3 पार्ट्स रह गए हैं वो आप खुद करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज ए फैक्टर। क्वेश्चन 1 में आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 4 पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, और ये कहा गया है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि x+1 इनमें से किसका फैक्टर हो सकता है। जैसे अभी 2.3 में किया था हमने, ये चेक किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कि भाई 7 + 3x किसी का फैक्टर है या नहीं है, ऐसे इसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम x+1 को इक्वल 0 मान लेते हैं, तो x should be -1।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पार्ट है, चारों पार्ट्स में आपको एक्स की वैल्यू माइनस वन ही अप्लाई करनी है। माइनस वन अप्लाई करने पर जिस भी पार्ट का आंसर आ जाता है तो उसमें हम एक्स प्लस वन को फैक्टर मानेंगे, उसमें नहीं आता है तो नहीं मानेंगे। मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूं, फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट, एक्स रेस टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय माइनस वन, माइनस वन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वन रेस टू पावर फोर प्लस थ्री माइनस वन पावर थ्री प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। यहां अगर हम टर्म को देखें बेटा, प्लस का साइन और एक्स की वैल्यू माइनस, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो उनको हम सेपरेट करने के लिए बीच में ब्रैकेट्स लगा दिया करते हैं। ऑलवेज याद रखें प्लस माइनस कभी भी आप एक साथ ना लगाएं। करते हैं इसको सॉल्व, माइनस का साइन है, पावर इवन है तो आंसर शुड बी पॉजिटिव, वन का वन रहा, माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आएगा, और माइनस वन के अगर हम थ्री में मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स माइनस थ्री। सिमिलरली वन का स्क्वायर, वन पॉजिटिव उसमें थ्री की मल्टीप्लाई करी प्लस थ्री, प्लस माइनस माइनस वन हो जाता है एंड इट इज द प्लस वन। अगर हम यहां पर टर्म देखते हैं हमारे पास पॉजिटिव टर्म जो है वन थ्री एंड वन, इन तीनों को सम अप करते हैं तो आता है हमारे पास फाइव। नेगेटिव टर्म माइनस थ्री और माइनस वन है, इनको सम अप करते हैं तो माइनस फोर और आंसर आता है वन। हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया, नॉट इक्वल जीरो, और जब जीरो नहीं है सो एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर, कि भाई एक्स प्लस वन फैक्टर नहीं है। अगर जीरो आ जाता तब बोलते यस एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर। सिमिलरली मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था ऐसे यहां पर एक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वही रखना है माइनस वन, चेंज नहीं होगी। आप ये सोचा भाई इस पहले क्वेश्चन के लिए ये थी दूसरे के लिए कुछ छोड़ोगा, ऐसा नहीं है, सभी के लिए एक्स प्लस वन ही रहेगा। तो एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब माइनस वन स्क्वेयर टू प्लस रूट टू में मल्टीप्लाई है माइनस वन की, ये एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन, वन का स्क्वायर करेंगे प्लस का वन आता, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ये माइनस का साइन इस माइनस को प्लस कर देगा, और जब प्लस हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर की चीजें चेंज नहीं होंगी टर्म्स, लेकिन अगर बाहर माइनस का साइन ही रह जाता तब अंदर के साइन चेंज कर दिया करते हैं। तो वन की मल्टीप्लाई करते हैं टू में, टू वन की मल्टीप्लाई करते हैं रूट टू एंड दिस इज द रूट टू। प्लस टू माइनस टू, वन और वन मिलके माइनस टू हो गए, रूट टू ये रहे और रूट टू ये रहे तो दो हो गए बेटा हमारे पास, बिकम्स टू रूट टू। प्लस टू में से माइनस टू जाते हैं जीरो बचता है और हमारे पास आता है टू रूट टू एज ए रिमाइंडर विच इज नॉट इक्वल जीरो। अब जीरो के इक्वल नहीं है सो एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर। इसी तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है, उसमें फाइंड आउट करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। इजी है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप आसानी से कर सकते हो और आपके पास टाइम भी है।
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. अब आप सोच रहे हैं जी एक्स क्या आ गया, अभी तक पी एक्स सुन रहे थे, पी फॉर पॉलिनोमियल, तो अब जी एक्स क्यों नाम दे दिया. जब सेम चीज चल रही होती है बेटा तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जिससे कि वो इजीली पहचान पड़ जाएगी कौन सी चीज क्या है, हम उसे अलग नाम दे दिया करते हैं. ये भी पॉलिनोमियल ही है और ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन दोनों को पी एक्स पी एक्स पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते थे. यहां पर ये पॉलिनोमियल तो डिविडेंड है जिसको हमें डिवाइड करना है, और ये वाला पॉलिनोमियल जो है ये एक फैक्टर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये एक डिवाइजर हो गया. तीनों अलग अलग केस हैं, तीनों में आपको अलग अलग पॉलिनोमियल या डिविडेंड दिए गए, तीनों में अलग अलग आपको जी एक्स यानी डिवाइजर दिए गए. सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं है. जैसे कि अभी हमने 2.3 में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यहां पर भी उसी की तरह बिल्कुल हम जी एक्स जो दिया है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री अलग अलग दिए हैं तीनों इक्वेशंस के लिए, तो तीनों पॉलिनोमियल्स के लिए अलग अलग लेंगे. आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट खुद करेंगे, मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाता हूं कैसे करना है. आपको जी एक्स दिया है बेटा एक्स माइनस थ्री, हमें देखना है कि भाई एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर है भी या नहीं है. तो हम x माइनस थ्री को जीरो मान लेते हैं, तो x बिकम्स थ्री. अब आप इस थ्री वैल्यू को इसी पॉलिनोमियल में यूज करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें आपको x प्लस टू इक्वल जीरो लेना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी x की माइनस टू वो पुट करेंगे, या x प्लस वन इक्वल जीरो, x की वैल्यू माइनस वन जो आएगी वो इसमें यूज करेंगे. तो हम ये थर्ड पार्ट करते हैं. आपको पॉलिनोमियल दिया था एक्स क्यूब स्क्वेयर एक्स प्लस सिक्स, एक्स की जगह थ्री लगाते हैं, थ्री क्यूब एक्स की जगह थ्री स्क्वेयर, फिर एक्स की जगह थ्री प्लस सिक्स, थ्री का क्यूब करते हैं 27, थ्री का स्क्वायर करते हैं 9, 27, 9, 4, 36, 3, प्लस के 27 है, प्लस 3 है, प्लस 6 है, सबको सम अप करते हैं तो आता है 36, माइनस के सिर्फ 36 थे, आंसर आता है हमारे पास 0. और 0 ही तो हमें चाहिए था किसी को चीज को फैक्टर बताने के लिए. पीछे केसों में हमने देखा था 0 नहीं आ पा रहा था तो बोल देते नो इट इज नॉट ए फैक्टर, यहां पर 0 आ गया तो हम बोलेंगे यस. और आपको पूरी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सेव योर टाइम. यस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. लेकिन आपका मन करता नहीं जी, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अभी पेपर खत्म हो गया पहले ही हमारा, अभी लिख सकते हैं. ठीक है, आप लिख सकते हैं, जी एक्स की जगह आप लिखेंगे यस एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. तो इस तरीके से इसके बाकी जो दो पार्ट बचते हैं 1 और 2 बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे. आप देख रहे हैं 2.3 2.4 दोनों सेम एक्सरसाइज हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज हैं, आप आसानी से कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. ये हमको 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, चारों पॉलिनोमियल्स के लिए हमको एक ही फैक्टर मानकर चलना है एक्स माइनस वन. कहता है एक्स माइनस वन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है फैक्टर है या नहीं है, हम खुद कहते हैं हाँ जी फैक्टर है. इट मीन्स अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना ही आना है. लेकिन रिमाइंडर 0 आने के लिए के क्या होगा, के इज ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, कोई कॉन्स्टेंट फिगर है, कोई कॉफिशियंट है यहां पर एक्स स्क्वायर का एक्स का, तो हमें ये देखना है के की वैल्यू क्या है जिससे कि हमारा आंसर 0 आ जाए.
सिंपली एक्स माइनस वन को हम जीरो मानते, तो एक्स क्या हो गया वन। आपको ऑल फोर केसेस में एक्स इक्वल वन ही पुट करना है। चलिए फर्स्ट पार्टी करते हैं। पॉलिनोमियल एक्स दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, रिमाइंडर आपसे जीरो बोल दिया गया है, इसलिए अब आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि भी आएगा क्या, आपको तो रिमाइंडर जीरो मान ही लेना है। सिर्फ अब आपको एक्स की जगह वन पुट करना है, वन स्क्वायर एक्स की जगह वन प्लस के, एंड रिमाइंडर शुड बी जीरो, कि जी आना ही है जीरो। वन प्लस वन प्लस के इक्वल जीरो, टू प्लस के इक्वल जीरो, सो के इक्वल माइनस टू। यानी अगर हम इस इक्वेशन में के की जगह माइनस टू रख देते हैं तो एक्स माइनस वन इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इट मीन्स रिमाइंडर विल कम जीरो। आप अगर सेकंड पार्ट करके देखते हैं इसी तरीके से, टू एक्स स्क्वायर के एक्स रूट टू, फिर से वही एक्स की वैल्यू आपको वन ही पुट करनी है, तो टू वन स्क्वायर के मल्टीप्लाई वन प्लस रूट टू एंड रिमाइंडर इज जीरो। सॉल्व करते हैं, वन का स्क्वायर करेंगे वन, टू वन जा टू, प्लस के प्लस रूट टू इक्वल जीरो। के यही रहने देते हैं, टू और रूट टू को उधर ले जाते हैं, तो टू बिकम्स नेगेटिव, रूट टू बिकम्स नेगेटिव। इसको आप प्रॉपर वे में लिखें तो माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, आप टू प्लस रूट टू भी बोल सकते हैं। इसी तरह से थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है जो आप खुद करके देखेंगे। अभी एक्सरसाइज 2.4 में और भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, लेकिन आज हम यहीं तक करेंगे, आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, जिससे कि आप पीछे का भूल ना जाए, पीछे का रिवाइज भी करते रहना है। एक्सरसाइज 2.4 को कल हम कंटिन्यूशन में लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आप घर पर क्या करना है, कि हमने पुरानी क्लासेस में आपको मैडम ने या आपके सर ने सिखाया होगा कि कुछ आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से जो आपकी आइडेंटिटीज आपको सिखाई गई हैं, आज आप उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब हमारा 2.4 में आगे का जो वर्क है उसमें आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी। वहां पर हमको फैक्टोराइजेशन सीखना है कि पॉलीनोमियल को कैसे फैक्टोराइज करें। लेकिन फिर वही बात, आप अपना वर्क अप टू डेट रखें, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन छोड़ कर ना चलें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, पीछे के चैप्टर्स की भी आगे बढ़ते रहें धीरे धीरे, लेकिन पीछे का भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर बने रहें, आप भूले रहें। तो बाकी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे हम